सो हे एवरीवन, हाउ यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट, वेल प्रिपेयर फॉर योर स्टडी। तो यहाँ पर क्लास 10th के लिए एक नया टॉपिक है, न्यू टॉपिक इज दैट ट्रिग्नोमेट्री टेबल। ट्रिग्नोमेट्री टेबल को हम ट्रिक से लर्न करेंगे और ये ट्रिक जो है आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल एक मिनट में बनाने में हेल्प करेगा। तो लेट्स गेट बिगन हियर। तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री टेबल है जो कि हम लर्न करने वाले हैं बाय ट्रिक, और यहाँ पर ट्रिक जो है कैसे काम करेगी और आपको एक मिनट में टेबल बनाने में वो कैसे हेल्प करेगा। तो सबसे पहले जो लर्न करने की प्रोसेस है, लर्न आपको थीटास करने पड़ेंगे और वो भी सिक्वेंस में आपको ये थीटास को लर्न करना पड़ेगा। जैसे साइन थीटा फर्स्ट, कॉस थीटा सेकेंड, थर्ड टेन थीटा, फोर्थ कॉट थीटा, फिफ्थ सेक थीटा एंड सिक्स्थ कॉसेक थीटा। तो ये क्या है, सिक्वेंस में याद करना है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, cot थीटा sec थीटा cosec थीटा। ठीक है, अब जो हमारे डिग्रीज है, डिग्रीज भी आपको सिक्वेंस में लर्न करना है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो दो चीज आपको लर्न करनी है जिससे आपकी पूरी टेबल क्या होगी, अरेंज होगी। सबसे पहले थीटास को हमने सिक्वेंस में लर्न करा और इन डिग्रीज को हमने सिक्वेंस में लर्न करा। अब साइन थीटा की जो वैल्यू होती है, ये साइन थीटा सिर्फ आपको वन लाइन लर्न करना है, उसके बाद में जो ये ग्रीन कोड से मैंने लिखा है, ये लर्न करने के बाद में, वन नंबर लाइन साइन थीटा की लर्न करने के बाद में, ये जो ग्रीन कलर के कोड से मैंने लिखा है, इससे आपकी पूरी टेबल को हम अरेंज करेंगे। फर्स्ट, साइन थीटा में जो 0 डिग्री की वैल्यू है वो 0 ही होगी, साइन थीटा में 30 डिग्री की वैल्यू है हाफ होगी, साइन 45 डिग्री में जो वैल्यू है 1/√2 होगा, साइन 60 डिग्री में जो वैल्यू है √3/2 होगा, साइन 90 डिग्री में जो वैल्यू है वो 1 होगी। ठीक है, तो ये साइन थीटा में वैल्यूज है, 0 डिग्री इज 0, 30 डिग्री हाफ, 45 डिग्री 1/√2, 60 डिग्री √3/2 एंड 90 डिग्री 1। तो हमने साइन थीटा के वैल्यूज को लर्न कर लिया। अब कॉस थीटा के वैल्यू को मुझे कैसे लाना है, आपको तीन चीजें लर्न करनी है, ओनली 3 थिंग्स यू लर्न हियर। फर्स्ट द थीटास अरेंजमेंट, थीटा हमें अरेंज करना है, डिग्रीज हमें अरेंज करना है, साइन थीटा की वैल्यू जो फर्स्ट रो है वो हमें लर्न करना है, और यहाँ पे ग्रीन कोड हमें लर्न करना है। फर्स्ट हमें लर्न करना है साइन थीटा की वैल्यूज जितनी भी दे रखी है, फिर अब कॉस थीटा की वैल्यू लाने के लिए साइन थीटा की वैल्यू को रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, रिवर्स मतलब उल्टे ऑर्डर में लिखना है, रिवर्स, रिवर्स पीछे से होता है। तो 1 डिग्री जो है वो 0 डिग्री में आ जाएगा, √3/2 है वो 30 डिग्री में आ जाएगा, √1/√2 जो वैल्यू है वो एज इट इज रिवर्स ऑर्डर में चलने वाली, तो यही वैल्यू रहेगी यहाँ पर। देन 60 डिग्री में जो वैल्यू है कॉस थीटा की वो 30 डिग्री वाली आ जाएगी, देन 0 डिग्री जो है आपका 90 डिग्री में हो जाएगा। तो साइन थीटा इसका रिवर्स हो जाएगा कॉस थीटा, साइन थीटाज वैल्यू रिवर्स ऑफ द कॉस थीटा वैल्यूज। देन द टेन थीटा, अब टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, तो आपको पता होना चाहिए टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा इज द कॉम्बिनेशन ऑफ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ऊपर लिखेंगे हम साइन थीटा की वैल्यू, नीचे लिखेंगे हम कॉस थीटा की वैल्यू। तो ऊपर साइन थीटा की वैल्यू 0 है, नीचे कॉस थीटा की वैल्यू 1 है, तो 0 में अगर हम 1 का डिवाइड करते हैं तो 0 ही आएगा, 1/2 में √3/2 अगर हम करते हैं तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी, वैल्यू आपकी हो जाएगी 1/√3, 1/√2, 1/√2 कट आउट हो जाएगा तो 1 ही मिलेगा, √3/2, 1/2 अपॉन में चलेगा इस फॉर्मूले के बेसिस पे, तो √3/1 आएगा। एंड 1 के वैल्यू में 0 का हम डिविडेशन करते हैं, हमेशा याद रखना किसी भी वैल्यू में अगर हम 0 का डिफाइन कर 0 का डिवाइड करते हैं तो वो नॉट डिफाइन वैल्यू होती है, और नॉट डिफाइन को हम इस साइन से डिनोट करते हैं, दैट इज द मीनिंग ऑफ इनफाइनाइट, जिसको हम डिफाइन ही नहीं कर सकते। ठीक है, नॉट डिफाइन उसे बोला जाता है। अब कॉट थीटा की वैल्यू हम कैसे लेकर आएंगे, तो कॉट थीटा इज द रिवर्स ऑफ टेन थीटा, कॉट थीटा इज रिवर्स ऑफ टेन थीटा, रिवर्स कर देंगे अब, दैट मीन्स यहां पर क्या है, 0 है, कॉट थीटा क्या होता है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, तो 1 के अपॉन में 0 जाएगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, देन कॉट थीटा में हम क्या करने वाले हैं, कॉस थीटा और साइन थीटा, तो कॉस थीटा सबसे पहले लिखेंगे ऊपर और उसके नीचे साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा आपका √3/1 हो जाएगा, देन कॉस थीटा साइन थीटा 1 हो जाएगा, देन कॉट थीटा 1/2 एंड √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1/√3 आ जाएगा। ठीक है, और यहां पर क्या है, ये इसका रिवर्स, ये वाली वैल्यू को हम ऐसे रिवर्स के लिख सकते हैं या फिर हम इस वैल्यू से भी लिख सकते हैं, तो ये वैल्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट है आई थिंक सो। और यहां पर क्या है आपका,
कॉट थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो यहाँ पे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा तो जीरो ही आने वाला है। अब सेक थीटा आपको कैसे लेकर आना है, वन अपॉन में कॉस थीटा, सेक थीटा की वैल्यू कैसे आएगी, वन अपॉन में कॉस थीटा, तो वन के अपॉन में वन करेंगे तो वन ही आएगा, वन के अपॉन में रूट थ्री बाय टू करेंगे तो टू बाय रूट थ्री हो जाएगा, वन के अपॉन में वन अपॉन रूट टू करेंगे तो रूट टू अपॉन वन हो जाएगा, वन के अपॉन में वन अपॉन टू करेंगे तो टू अपॉन यहाँ पर वन हो जाएगा। देन हम वन के अपॉन में जीरो करेंगे तो मैंने बताया है वन के मतलब किसी भी वैल्यू के अपॉन में जीरो होता है तो वो नॉट डिफाइन हो जाता है, दैट मीन्स इनफाइनाइट हो जाएगा, तो इसको आप नॉट डिफाइन भी लिख सकते हैं, इसको आप नॉट डिफाइन भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब कॉसेक थीटा क्या है, वन अपॉन में साइन थीटा है, तो वन अपॉन में जीरो लिखेंगे तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, वन अपॉन में वन अपॉन टू करेंगे तो टू अपॉन वन हो जाएगा, वन अपॉन में रूट टू अपॉन वन करेंगे तो रूट टू अपॉन वन इधर आ जाएगा, वन के अपॉन में रूट थ्री बाय टू करेंगे तो टू बाय रूट थ्री हो जाएगा, वन के अपॉन में हम वन करेंगे तो वन ही आएगा। दैट मीन्स आपने तीन चीजें लर्न करी और ये फॉर्मूलाज आपको लर्न होना चाहिए, तो आई होप आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला सारे लर्न होंगे और उस फॉर्मूला के बेसिस पर आपकी ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनने वाली है, जो कि एक मिनट में आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाने में हेल्प करेगी, बट यहाँ पर एक्सेप्शन ये है कि आपको कुछ चीजें भी लर्न होना चाहिए। थैंक यू सो मच एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर 2024 अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।